हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं KGF चैप्टर 2 के टीजर ट्रेलर की। अब बोलेंगे आ तो गया यार टीजर ट्रेलर, अब कितना जान लोगे फिर से टीजर ट्रेलर की बात लेके बैठ गए हो। हाँ, मैं लेके बैठा क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए, भग भर के मैसेजेस आए। नहीं, टीजर में ये अच्छा था, ट्रेलर में ये अच्छा नहीं था। लोगों को लगा कि प्रेजेंटेशन और जो स्टोरी टेलिंग टीजर के अंदर थी वो बहुत बेहतरीन थी, ट्रेलर कहीं ना कहीं चूक रहा था। ऐसे बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हुई और उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि ट्रेलर के अंदर कुछ माइन्यूटेस्ट पॉइंट्स थे कि जिस तरीके से जैसे इंट्रोडक्शन हुई हमारे हीरो भाई साहब की रॉकी की, और वो रॉकी का जो स्टाइलिंग थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक सिंपल सीन के आने के बाद एक डायलॉग आ जाता है, ये सब चीज़ें लोगों को थोड़ी सी भली। तो मैंने कहा यार एक काम करते हैं, ये हो सकता है ऐसे लोग हों जिन जो नेगेटिविटी फैला रहे हों, तो मैं एक क्वेश्चनर बनाता हूँ और मैं डालता हूँ अपनी कम्युनिटी पेज पर, क्योंकि वहाँ से मुझे जो क्वेश्चन का आंसर मिलता है ना वो बहुत ही ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स होता है, और वो आप ही की वॉइस होती है और आप ही को दोबारा सुनाई जा सकती है, बट उसके साथ नंबर्स अटैच हो जाते हैं। तो जब मैंने एक सर्वे किया और अपने कम्युनिटी पेज के ऊपर डाला कि आपको ट्रेलर ज़्यादा पसंद आया कि टीज़र ज़्यादा पसंद आया कि दोनों पसंद आए कि दोनों नहीं पसंद आए, दोनों नहीं पसंद आए उसको तो छोड़ ही देते हैं, उनका तो ऊपर वाला खिला हुआ है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन इसकी बात कर लेते हैं कि लोगों को ट्रेलर कितने लोगों को पसंद आया। 59% लोगों को ट्रेलर पसंद आया, तो इसका मतलब है कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को ट्रेलर पसंद आया। 21% को टीज़र समझ में आया, और मेरे को ऐसा लगता है कि टीज़र वालों को भी ऐसा लगता है कि हमें और दिखाओ और दिखाओ। जब आप बहुत बड़े फैंस हो जाते हो ना किसी कॉन्टेंट के, आपको और ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये उनका प्यार ही है मेरे ख्याल से, जो बोल रहे हैं यार नहीं यार टीजर अच्छा था, ट्रेलर में और डाल देते और डाल देते। मैं भी जैसे लालची हो सकता हूँ किसी, अगर मैं किसी मूवी का फैन हूँ, किसी स्टार का फैन हूँ, तो आई वॉन्ट मोर। तो आई थिंक वो वाली कहानी है यहाँ पर। लेकिन लार्जली ये ट्रेलर लोगों को पसंद आया, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये हुई है कि इसमें 100 करोड़ क्या बोल रहा हूँ मैं, तो बिजनेस के ऊपर पहुँच गया मैं यहाँ। इसके 107 मिलियन व्यूज़ आए हैं, इसके 107, 100 की बात आती है ना जो बिजनेस से अटैच हो जाता है दिमाग, बट नहीं, 107 मिलियन तो रिपोर्टेड नंबर है, और ये रिपोर्टेड नंबर है शाम को जब टोटल 24 घंटे पूरे हुए थे। अभी जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये 125 करोड़ ओवरऑल बेसिस पे क्रॉस कर चुका होगा। ये कलेक्टिव फिगर है फॉर ऑल लैंग्वेज। तो जिनको भी ये थोड़ी सी दिमाग में क्वेश्चन था कि शायद ट्रेलर लोगों को कम पसंद आया, टीजर ज़्यादा पसंद आया, तो उनके लिए ये सर्वे है जो मैं आपके स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ। नथिंग टू वरी, पीपल हैव लाइक्ड द ट्रेलर एज वेल, द वॉइस एंड द होल जैसे कहते ना अंडर करंट इज ऑल पॉजिटिव, डोंट वरी अबाउट इट, दिस मूवी विल रॉक 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 द बॉक्स ऑफिस फॉर श्योर। ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। और अगर आपको अभी भी लगता है कि शायद टीजर के अंदर कुछ खास बात थी और कुछ एक आधी एलिमेंट क्या अलग आपको लगा, वो जरूर कमेंट करके बताना। अगर मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा तो मैं आपका नाम लेके उसको अपने चैनल के ऊपर अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने की जरूर कोशिश करूंगा। शायद हमारी बात कोई सुन ले, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कुछ, तो हो सकता है उसके अंदर एक और इम्प्रूवमेंट आ जाए, एक हो सकता है हमें छोटा सा ट्रेलर हमें देखने को मिल जाए एक और जस्ट बिफोर द रिलीज ऑफ दिस मूवी, यू नेवर नो। ठीक है, फैंस के आवाज़ में काफ़ी दम है भैया आजकल तो। ठीक है, तो फटाफट से देखो दोबारा से टीजर ट्रेलर देखो और उसके बाद अपना रिएक्शन मेरे साथ शेयर करो। बाय बाय।